मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आई होप यू गाइस आर फन। सो कैसे सभी, आई होप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे और सभी को जय श्री कृष्णा। एंड सबसे पहले आज मैं मेन चीज बताने वाला हूँ, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, मेन जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि पहले इतने डॉक्यूमेंट्स समझ लो मेन नहीं होते थे जितने अब हो रहे हैं, क्योंकि इस साल तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। सीयूटी देना पड़ रहा है बीबीए में, जो कि पहले डायरेक्ट हुआ एडमिशन हुआ करता था बीबीए में, अब उसको मतलब कि सीयूटी देना पड़ रहा है। बाकी सारे भी एंट्रेंस इंटरव्यू वगैरह जो भी है, इंटरव्यू तो होता था, तो इंटरव्यू की मैंने वीडियो बना रखी है, सारी चीज सारा प्रोसेस मैंने बता रखा है, एक एक चीज मैंने जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के बारे में बता रखी है कि कैसे एडमिशन होगा, कैसे नहीं होगा, क्या चीज मेन है, क्या चीज मेन नहीं है, और जो आने वाली अपडेट है वो भी मैं बताने वाला हूँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया। फिलहाल वैसे ना आज मैं कॉलेज जाने वाला था लेकिन गया नहीं, बिकॉज अभी वैसे कॉलेज खुले नहीं है, मेरे लिए तो खुले हैं, मैं तो जा ही सकता हूँ, लेकिन इसलिए जाने वाला था क्योंकि ऑफिस वगैरह में आज मुझे थोड़ा सा काम था पापा जी के साथ, फिर जो काम था वो काम कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैं नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा आज इधर वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने लग गया मैं। तो सबसे पहले आज मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया दिया कि मेन डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ क्या क्या लगने वाले, क्योंकि कई लोग बाहर से आते हैं जिनके पास मतलब कि अलग अलग दूर से जगहों से आते हैं, वो फिर बाद में तो नहीं ला सकते एकदम से जाके, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं ला सकते, इसलिए अगर वो पहले ही लेके चले तो वो चीज़ सही रहेगी। तो देखो मैं बताता हूँ, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद जब वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन किस चीज़ की, कि हाँ बंदा वो उधर है, जब आपका आई कार्ड वगैरह बनता है, एंड फिर होता है कि मतलब कि जब आपका पेपर वगैरह होते हैं, जो सेशनल हो गया, टेस्ट वगैरह हो गया, थोड़े बहुत जो मेन असाइनमेंट वगैरह जो भी होते हैं, तो मेन वो वेरिफिकेशन ना आपके पेपर के लिए काम होता है। तो देखो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं आपको, 12th की मार्कशीट जो कि मेन है, और ये सब मैं बता देता हूँ। जो काउंसलिंग में जो आप भरते हो ना डॉक्यूमेंट्स, वो तो मेन होते ही, लेकिन आपको बाद में मंगाए भी जा सकते हैं, तो वो पहले लेके चलना। तो देखो 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, जो कि दोनों मेन ही है, उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, जिसकी जो भी आपकी कास्ट है उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है आपका, वो आप लेके रखना साथ में, ठीक है ना। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चों पे होती है यार इस बार, तो आपको भी चाहिए 10-20 तो खिंचवा के रखना बढ़िया सी मस्त तरीके की, और इस पर नाम वगैरह जो भी हो लिखवा लेना, डेट वगैरह ले, और सिंपल भी रखना, दोनों वो अलग अलग मंगा सकते हैं। उसके बाद सीन है आपका सबसे मेन चीज़, चलो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ भी रख लेना, जो भी आपका हो गया, बिल हो गया, कुछ भी, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड भी रखना, पैन कार्ड हो गया, और जो भी बस यही है मेन चीज, पहचान पत्र हो गया, तो हाँ बस यही सारी चीज। उसके बाद जो आपके 10th 12th के वो जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो भी रखने हैं मेन, वो भी चेक होते हैं, तो वो भी रखने हैं आपको। एंड रियल मार्कशीट लेनी है, फोटो कॉपी मत कराना, अगर लेके आ रहे तो रियल लेके आना, वरना लेके ही मत आना, क्योंकि वो मतलब की कॉपी लेते ही नहीं, रिजेक्ट कर देते सीधा, अगर जैसे उन्होंने कॉपी देगी ना रिजेक्ट, बंदा पूछता पाछता भी नहीं है, सीधा भाई निकलो, वो ऐसी करते हैं टीचर, जो मैं टीचर की बात बता रहा हूँ। तो हाँ रियल लेके आना 10-12 की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ हो गया, पहचान पत्र हो गया, वो सब तो आप रियल भी लेके रखना, उसकी फोटोकॉपी करा लेना, वैसे आधार कार्ड वगैरह जो होता है। अब मैं आता हूँ एक मेन मुद्दे की बात पे, जो आपको चाहिए चाहिए होता है, माइग्रेशन। आपने सुना होगा, कई लोगों ने मुझे कमेंट में पहले ही पूछा है कि भैया माइग्रेशन दे सकते हैं या ऐसी नहीं दे सकते। देखो माइग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, मेरा क्या था, मैं आपको सीन बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा माइग्रेशन पहले ही जमा हो गया था, क्योंकि मैं वहाँ का मेंबर हूँ, स्टाफ मेंबर हूँ, तो मेरा जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पहले ही जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई लोगों के बाद में होते हैं, जब उनका एडमिशन हो जाता है ना, तो वो उनके बाद में होते हैं, जो नॉन मेंबर होता है उनका एडमिशन होता है, तो उनको माइग्रेशन बाद में देना पड़ता है, जब एडमिशन वगैरह कन्फर्म हो जाता है, जब पेपर वगैरह के लिए वेरिफिकेशन करते तब। लेकिन मेरा पहले ही हो गया था, लेकिन जब हमारे पेपर स्टार्ट हुए तो मेरा वेरिफिकेशन में माइग्रेशन इनकम्प्लीट रहता है, कि मेरा माइग्रेशन जमा नहीं हुआ। फिर टीचर वगैरह को हमने बताया, क्योंकि टीचर अलग है, बीबीए जो हमारे टीचर है ना वो बीबीए के हैं, जो मेरे पापा हैं वो फार्मा के उधर हैं, अलग अलग बिल्डिंग है सबकी, आपको जैसा कि पता ही है, तो वहाँ पे मेरे पापा हैं, एंड उन्होंने कहा कि हमारा पहले ही हो गया था, क्योंकि कई टीचर नहीं जानते, जो अभी जो बीबीए के टीचर आया ना वो नए नए आए हैं, एंड सच बताऊँ तो थोड़े से वो बदतमीजी कर देते हैं स्टूडेंट के साथ, जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं यही का मेंबर हूँ, तो फिर वो तमीज में आए, लेकिन जो चीज मेरे को इनको बिहेव है, इसलिए मैं स्टूडेंट को पहले ही बता देता हूँ कि बीबीए के जो टीचर है ना वो थोड़े से नए आए हैं, एंड वो मिसबिहेव कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो अगर आपको लगता है तो आप सीधा कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ जो चीज मुझे लगी, ठीक है ना, तो आपने यही करना, अगर आपको बीबीए के एक दो टीचर थोड़े से हैं कि आपको बच्चों को बोल देते कुछ भी, ज्यादा स्ट्रिक्ट पना कर देते हैं, स्ट्रिक्ट पना भी एक हद तक होता है, ऐसा नहीं कि बिना गलती के आपको टाइम पास करें, तो कई बच्चों के साथ करा, मैं अपनी बात नहीं बता रहा, कई बच्चों के साथ करा, तो यही हुआ था, उन्हें नहीं पता था कि मैंने माइग्रेशन पहले ही दे दिया, मैं यहीं का स्टाफ हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने मिसबिहेव करना चालू कर दिया। लेकिन जब मैंने अपने पापा को बुलाया कि ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं टीचर, कुछ अच्छा मुझे नहीं लगा, तो उन्होंने समझाया कि बच्चों के साथ बेमतलब को मिसबिहेव करना सही बात नहीं है, कि बच्चे को 50 जगह घुमा देना, फिर भी मैंने रिस्पेक्ट करते हुए 50 जगह मैं गया, उन्होंने जहाँ जहाँ घुमाया, इस बिल्डिंग जाओ उस बिल्डिंग जाओ,
मैं ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा, मैं इधर उधर घूमा, लेकिन वो बाद में समझे कि हमारा माइग्रेशन पहले ही जमा हो चुका है और सारी चीज मेरी कंप्लीट है। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और बच्चा होता तो उसके लिए वो 50 जगह और घुमा देते, उन्हें माइग्रेशन चाहिए ही चाहिए होता है। तो माइग्रेशन अगर आपका खो गया या आपका रिजल्ट, जैसे कि आप पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से अगर फॉर्म भरते हो, जैसे आपका 12th में आपने पास हो गए, 2020 में पास हुए थे रिजल्ट आपका 12th का, तब का है, लेकिन आपने एक साल गैप करने के बाद एडमिशन ले रहे हो, तो आपका माइग्रेशन अपने हाथ में रखना। माइग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर रियल माइग्रेशन, फोटोकॉपी भी नहीं चलेगी, अगर रियल माइग्रेशन नहीं दिखाओगे तो आपका एडमिशन का वेरिफिकेशन नहीं होगा और वो इनकम्प्लीट में डाल देंगे और आपको पेपर दिया नहीं जाएगा, आपको मतलब कि पेपर देने ही नहीं दिया जाएगा। तो माइग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर माइग्रेशन नहीं है तो CBSE बोर्ड सेंटर जाके निकलवा सकते हो, लेकिन उसमें भी झंझटबाजी है, थोड़ा सा ढूंढना, घर में ही आपके कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, क्योंकि माइग्रेशन कई लोगों का भूल जाता है, वो स्कूल से नहीं निकल पा पाते जहाँ से आपने 12th पास करी, कई लोग सर्टिफिकेट नहीं लेते। मैंने भी बहुत बाद में लिया था, क्योंकि भाई मेरे को तो इतना समझ में नहीं आया था कि मैं तो बस पढ़ाई करने गया, वापस आ गया, मेरे को फॉर्म सर्टिफिकेट का कुछ पता वगैरह नहीं था। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सर्टिफिकेट या माइग्रेशन कुछ भी नहीं निकलवाया तो अपने जहाँ से आपने 12th पास करी वहाँ से जैसे निकलवा सकते हो। और सबसे पहली बात, सारी चीज़ मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताई कि माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन चाहिए ही चाहिए चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वेरिफिकेशन तो ही नहीं सकती। और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी आप पेपर नहीं दे सकते हो, तो माइग्रेशन जरूर रखना। सो आई होप गाइस ये वाली सारी डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आएंगी। मैंने सारी चीज़ बताने की कोशिश करी कि आप ये गलती मत करना माइग्रेशन की, खो दो या आपको है नहीं आपके पास तो आपके पास रखे रखना, एंड आपका माइग्रेशन वो मांगेंगे जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आई कार्ड वगैरह आपका बनेगा तब मांगेंगे। क्योंकि ना एडमिशन के वक्त जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, उनको वो 50 जगह घुमवा देते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहली बता रहा हूँ कि आपको कोई कष्ट ना हो, आप साधारण जाओ, एडमिशन हो जाए, कॉलेज में बैठो, सीट पे बैठो, मस्ती करो। सो ठीक है, आपको सारी चीज समझ में आई होगी, अगर थोड़ी सी भी समझ में आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, चाहे हो गई ये व्लॉग वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं आते हो यार सब्सक्राइब भी करके जाएगा, मिलते गए जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा टेक केयर एंड ख्याल रखकर अपना, तो मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। I'm not the one who's running out of time.